हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ छोटे बालों के साथ अमेजिंग ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स। तो कितने हैं, कैसे बन रहे हैं, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेयर स्टाइल है छोटे बालों में, जो हाई बन बनाते हैं हम लोग, वो कैसे बनाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से हाई पोनी टेल बनानी है। बहुत ही प्यारा सा लगेगा, बहुत ही ईजिली आप बना लोगे और स्टाइलिश सा लुक भी देगा आपको। तो इस तरीके से कॉम कर लेना है अच्छे से। कॉम करने के बाद से एक रबड़ बैंड लगाना है और अच्छे से हाई पोनीटेल बना लेना है। ओके, हाई पोनीटेल बनाने के बाद से आपको सिंपली एक क्लचर ले लेना है। क्लचर उसको यहाँ पे लगा देना, रबड़ के जस्ट यहाँ पे। ओके, क्लचर लगाने के बाद से सारे बालों को आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से और क्लचर को ओपन करेंगे। ओके, और इस तरीके से लाके क्लचर के अंदर से इस तरीके से लेके जाएंगे। ओके, और फिर से क्लचर को स्कैल्प के साथ अटैच करते हुए लगा देंगे और ये वाला जो बाल है इसको फैला देंगे। ओके, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। अब बैक से आपको सिंपली जो आपकी पोनी है इसको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए बैक से लेके आएंगे और रबड़ बैंड, पोनी का जो रबड़ बैंड है उसको हाइड करते हुए यहाँ पे इस तरीके से क्लचर के अंदर से क्लचर के अंदर ही एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर को ले जाएंगे और एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर को बन के अंदर हाइड कर देंगे। तो इस तरीके का लुक आएगा बैक से, काफ़ी प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा इसको बालों को खींच सकते हो मैसी सा लुक देने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा छोटे बालों के लिए, मतलब यहाँ तक आपका शोल्डर लेंथ है तो आप ये वाला बन बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिखता है, स्टाइलिश भी लगता है एंड थोड़ा डिफरेंट भी है। ओनली वन क्लचर से आप बना लोगे, एक रबड़ बैंड और एक क्लचर से। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। इस तरीके से आप कहीं मार्केट जा सकते हो, दिन भर घर में रहना है तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। बहुत ईजी है और काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आप अपने बालों की पार्टिंग करनी है तो कर सकते हो, मांग निकालना आप निकाल सकते हो, और नहीं निकालना है तो भी आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीच की मांग के साथ ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ। शोल्डर लेंथ हेयर के लिए है ये और पतले हल्के हैं तो भी ये सारे हेयर स्टाइल काफ़ी जचने वाले हैं आप पे। तो आपको सिंपली बैक साइड में इस तरीके से हेयर को लेके जाना है, फ्रंट से आपको ऐसे ही रखना है, अच्छे से कॉम करना है। लेयर्स वगैरह निकालनी है तो आप पहले ही निकाल लो, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि लेयर्स निकालना है तो पहले ही निकाल लीजिए। अगर आपके लेयर्स बहुत लंबे होंगे तो जब आप बन बना के खींचोगे तो आपका हेयर स्टाइल बिगड़ सकता है। इस तरीके से ले जाना है, रबड़ बैंड लगाना है, नीचे की तरफ से इस तरीके से खींच लेना है। ओके, इसको टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा बचे हेयर को ये जो आपका आपने जो हेयर खींचा हुआ है इसके अंदर से इंसर्ट करके लेके जाना है और रबड़ बैंड के ऊपर से लाके, रबर बैंड के ऊपर से ले आएंगे और नीचे से लाके एक यू पिन से आप इसको सेट करके छोड़ दोगे, या फिर आप चाहो तो रबर बैंड के अंदर ही इस तरीके से लगा सकते हो। रबर बैंड के अंदर ही लगा दीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, और रबर बैंड को अच्छे से हाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। और थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली सारे बालों को ऐसे लेना है, हाफ हेयर ले लेना है ईयर टू ईयर कॉम करके। ओके, एक रबर बैंड अगेन यहाँ पे लगाना है, रबड़ बैंड लगाने के बाद से इसको सिंपली
ब्राइड बना लेनी है। हाँ चोटी गूंथ लेना है यहाँ पे। हो सकता है कि आपने ये हेयर स्टाइल पहले भी देखे हो, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे बालों के लिए बता रही हूँ। तो आपके जिसके भी बहुत ज़्यादा छोटे बाल हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ईयर लेंथ होंगे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन शोल्डर तक हैं, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और इस तरीके से करके इसको यू पिन से सेट कर दोगे। दो यू पिन या बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको ईजी हो और जिससे भी आपका हेयर लॉन्ग टाइम तक रहे, उससे आप इसको यहाँ पे सेट कर दोगे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। वाव, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। लेयर्स निकालनी है तो पहले ही निकालिएगा, नहीं तो हेयर स्टाइल बिगड़ सकते हो। जैसे ये निकला, इस तरीके से खींच जाते हैं हेयर, तो मुझे कहीं जाना नहीं, बस आप लोग को बता रही हूँ इसलिए। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। काफ़ी इजी है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। जींस टॉप पे भी आप पहन सकते हो, और कहीं जा रहे हो लॉन्ग कुर्ती वगैरह डालिए तो भी आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। लंबे वालों पे भी ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आप इस तरीके से बीच की मांग निकाल लोगे। सिंपली आपको थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं और इसको सिंपल चोटी गूंथ लेनी है। छोटा सा एक सेक्शन ले लीजिए बालों का। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके और एक चोटी बना लीजिए। मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रही क्योंकि कई बार कमेंट आता है कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट है, समझ में नहीं आया कुछ भी, इसलिए मैंने फास्ट नहीं किया यहाँ पे वीडियो। और मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी ज़रूर जाइएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। लेकिन जब भी आप रबर बैंड लगाते हो, सॉरी क्लिप लगाते हो, तो क्लिप को कुछ इस तरीके से लगाइए। यहाँ से हेयर हटा के और क्लिप लगा के उसके ऊपर से हेयर डाल दीजिए, ताकि आपका जो क्लिप है वो दिखे ना और आपका हेयर स्टाइल अच्छा दिखे। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड बना लेना है। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया। खुले बालों में काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। और ये भी हेयर स्टाइल आप जींस टॉप पे कर सकते हो। अगर छोटी बच्चियों के भी बाल लंबे हैं तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लगेगा। शादी वगैरह में, पार्टियों में और कोई फंक्शन है तो भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, क्यूट सा हेयर स्टाइल है। तो चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। बहुत ज़्यादा छोटे बाल हैं तो आप ये हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजिली बन जाएगा। अगर छोटे बाल हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। अच्छे से कॉम कर लेना है बैक साइड से, कुछ इस तरीके से। तो पांचवें हेयर स्टाइल को इस तरीके से लेना है बालों को, और सिंपली इस तरीके से घुमाना है। और जब आप इस तरीके से घुमाते हो तो जो आपका, जैसे आपके छोटे बाल होते हैं ना, तो बहुत जल्दी ये हाइड हो जाते हैं आपका, आपके बाल, और आपको इसको अच्छे से हाइड करने में दिक्कत भी नहीं होती है। फिर ऐसे ट्विस्ट करना है और सारे बालों को अच्छे से हाइड करके यू पिन लेना है, और थोड़े से हेयर स्कैल्प के और थोड़े से बन के लेके इस तरीके से लगाना है यू पिन को। तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपका हेयर, और बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ता है, लंबे टाइम तक चलता है। और आप कहीं भी जा सकते हो ये हेयर स्टाइल बना के, और इसको आप थोड़ा सा और हाइड कर सकते हो। और दो तीन यू पिन्स लगा लीजिएगा, ताकि आपका जो बन है वो लंबे टाइम तक टिका रहे और आपको आपका हेयर स्टाइल ख़राब ना हो। ओके, ऊपर वाले हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। आगे से हेयर को खींच सकते हो थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए। और आप चाहो तो ये जो, अगर आपको ऊपर वाला ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इसको अच्छे से हाइड कर सकते हो और यहाँ पे एक पिन ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल में अगेन आपको बनानी है हाई पोनीटेल। तो हाई पोनीटेल पहले बना लेंगे।
और रबर बैंड से अच्छे से टाइट करेंगे बालों को। लूज नहीं रखना है, टाइट रखना है। ओके, उसके बाद से हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि जो आपका हेयर है उसमें वॉल्यूम आए और आपकी स्कैल्प का हेयर खींचे भी ना, जिससे कि स्कैल्प में पेन होने लगता है। इस तरीके से मैंने खींच लिया है बालों को। अभी आपको करना है बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड, और सिंपली आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करके फिर अगेन जो आपने टू पार्ट्स किया उसमें से फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और ये हो गया। और फिर से इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब फोर पार्ट्स में डिवाइड करके एक इस साइड का हेयर और एक इस साइड का लेयर लेना है, और इसको सिंपली नॉट लगानी है, गांठ लगा लेना है। एक गांठ लगा के इसको ऐसे बांध देंगे। ओके, उसके बाद से इन दोनों को भी लेंगे और इसमें भी गांठ लगा देंगे। गांठ लगा के इस तरीके से आप यू पिन से सेट कर दीजिएगा। ये वाले बन को भी फिर से ये वाला हटा देंगे और बैक पीछे वाला लेके आएंगे, और फिर से इसमें एक गांठ लगा देंगे। ओके, इसी तरीके से पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट करेंगे। गांठ लगा लगा के यू पिन्स लगाते जाइएगा ताकि जो आपका बन है वो खुल ना जाए। वाओ, उसके बाद से जितने भी हेयर बचे हैं उनको सिंपली आपस में लपेट देंगे और यू पिन से सेट करेंगे। और काफ़ी इजी सा, अगर ये हेयर स्टाइल देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही स्टाइलिश है। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। और ये हेयर स्टाइल जैसे हाई बन कोई सा भी हो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है हाई बन में, इसीलिए मैं ज़्यादातर हाई बन ही बनाती हूँ कहीं भी जाते वक्त। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, बैक से कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सारे हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा। आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे चैनल पर जरूर जाइएगा जिसका नाम है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, वहाँ पर भी जाइए। उसको वो चैनल पसंद आए, वीडियोज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टा आई डी प्रीत 24 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।